आज पढ़ेंगे हम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ पेल पैनक्रियाज इज अ पेल ग्रे ग्लैंड वेइंग अबाउट 60 ग्राम्स। पैनक्रियाज जिहड़ा हुंदा है जिसको हम बोल देते हैं, पैनक्रियाज इज अ पेल ग्रे ग्लैंड वेइंग अबाउट 60 ग्राम्स। ग्रे ग्लैंड हुंदा है, ग्रे कलर का हुंदा है, 60 ग्राम्स इहदा वेट हुंदा। इट इज़ अबाउट 12 to 15 cm लोंग एंड इज सिचुएटेड इन द एपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। 12 to 15 cm लॉन्ग होता है, सिचुएटेड इन द एपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के जो एपीगैस्ट्रिक रीजन होता है या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है उसमें ये उसमें होता है ये प्रेजेंट पैनक्रियाज। ठीक है, दिस इज अबाउट 60 ग्राम्स इन वेट एंड इज ग्रे इन कलर एंड इट इज़ 12 to 15 cm लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जितनी उसकी हाइट होगी, जितना उसका वेट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, पैनक्रियाज की 12 to 15 cm के बीच बीच में हाइट इसकी लेंथ होती है पैनक्रियाज की। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड हेड, अ बॉडी एंड अ नैरो टेल। इसमें एक ब्रॉड हेड होता है, ब्रॉड हेड का मतलब कि काफ़ी काफ़ी वो ब्रॉडर होता है। ठीक है, फैला हुआ होता है हेड। ठीक है, एक बॉडी होती है और एक नैरो टेल होती है। नैरो का मतलब कि बहुत छोटी सी। ठीक है, द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ ड्यूओडेनम। जो हेड होता है वो ड्यूओडेनम में, ड्यूओडेनम की जो कर्व है, ठीक है, ड्यूओडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो कनेक्ट करता है, या फिर स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ड्यूओडेनम की जो पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो उसको जॉइंट करती हैं दोनों को, तो उसकी जो कर्व, जहाँ पे कर्व प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ड्यूओडेनम की कर्व बन रही होती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ ड्यूओडेनम। जो ड्यूओडेनम की कर्व होती है उसमें इसका हेड पार्ट प्रेजेंट होता है। द बॉडी बिहाइंड द स्टमक, जो बॉडी होती है वो स्टमक के पीछे होती है, और जो टेल है लाइज इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी एंड जस्ट रीचेज द स्प्लीन। और जो इसकी टेल होती है, नैरो टेल, वो वहाँ से स्प्लीन तक पहुँचती है, लेफ्ट किडनी से, लेफ्ट किडनी के फ्रंट से होती हुई स्प्लीन तक पहुँच जाती है। ठीक है, इतनी लंबी नैरो टेल होती है इसकी। द अबडोमिनल ऑर्टा एंड द इन्फेरियर वेना कावा लाई बिहाइंड द ग्लैंड। जो एब्डोमिनल ऑर्टा और आर्टरीज और वेन्स होती है वो ग्लैंड के पीछे होती हैं। ठीक है, द पेनक्रियाज इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, दिस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एल्वियोली। इसमें लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल एल्वियोली, एल्वियोली लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक जैसे कॉटन प्लग्स होते हैं छोटे छोटे, उस शेप के होते हैं ये। ठीक है, द वॉल्स ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, और इनकी जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जो सिक्रीशंस करवाते हैं सेल्स, वो वाले प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स हो गए। ठीक है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में। ठीक है, ईच लोब्यूल इज ड्रेन्ड बाय अ टाइनी डक्ट एंड दीज यूनाइट इवेंचुअली टू फॉर्म द पेनक्रियाटिक डक्ट। हर एक लोब्यूल जो होती है इज ड्रेन्ड बाय अ टाइनी डक्ट। हर एक लोब्यूल जो है ड्रेन हो जाती है टाइनी डक्ट के थ्रू, और दीज यूनाइट इवेंचुअली टू फॉर्म द पेनक्रियाटिक डक्ट। और जो टाइनी डक्ट्स, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो डक्ट्स हैं लोब्यूल्स वाले, वो क्या करते हैं, यूनाइट होके, इकट्ठे होके एक पेनक्रियाटिक डक्ट को बनाते हैं। ठीक है, विच एक्सटेंड्स द होल लेंथ ऑफ ग्लैंड एंड ओपन्स इनटू द ड्यूओडेनम। जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूओडेनम द पैनक्रियाटिक डक्ट जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म द हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला।
The duodenal opening of the ampulla is controlled by hepatopancreatic sphincter muscles. Function of exocrine pancreas is to produce pancreatic juice containing enzymes that digest carbohydrates, proteins and fats. जो exocrine pancreas होते हैं इनमें सिर्फ secretory cells जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। और जो head वाला part होता है जो duodenum के साथ attach होता है, जो ड्यूडनम की कर्व में प्रेजेंट होता है, तो उसके उसके सरफेस पे क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है उसके ऊपर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, टाइनी डक्ट्स। वो टाइनी डक्ट्स यूनाइट होके एक पैनक्रियाटिक डक्ट को बनाती है, और वो जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो ड्यूडनम में एंटर करती है थ्रू हेपेटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। तो उनके थ्रू ये जो है एंटर करती है ड्यूडनम में। इनका मेन फंक्शन होता है कि इन्होंने पैनक्रियाटिक जूसेस वाले जो एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स जो होते हैं, उनकी प्रोडक्शन करवानी होती है, उनकी सिंथेसिस करवानी होती है। एक्सोक्राइन पैनक्रियास का ये फंक्शन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट द एंडोक्राइन पैनक्रियास। Distributed throughout the gland are groups of specialized cells called the pancreatic islets or Langerhans, ठीक है। जो gland के नीचे एक group of specialized cells होते हैं जिनको हम pancreatic islets कहते हैं। The islets have no ducts, so the hormones diffuse directly into the blood. जो ये islets होते हैं इनमें कोई duct present नहीं होता। डक्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, उन्होंने जैसे कॉटन जो है, कॉटन क्या करती है, कोई भी सिक्रीशन हो रही है, कोई भी फ्लूड सिक्रीट हो रहा है या कोई भी किसी भी तरह की सिक्रीशंस हो रही हैं, ठीक है। तो डक्ट का फंक्शन होता है कि उसने कॉटन की तरह उसको एब्जॉर्ब कर लेना होता है अपने बीच में, ठीक है। बट जो पैनक्रियाटिक इजलेट्स होते हैं, जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज में क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक इजलेट्स होते हैं, तो उनमें जो है डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते जिसकी वजह से जो हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डन? ओके, यस। नाउ नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन पैनक्रियास इज टू सिक्रीट द हॉर्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन। एंडोक्राइन पैनक्रियास का मेन फंक्शन होता है, इन्होंने इंसुलिन और ग्लूकागन हॉर्मोन्स को रिलीज़ करवाना होता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, इसने ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखना होता है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करना, उसको यूटिलाइज करना, उससे उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ये सारा कुछ इंसुलिन हॉर्मोन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन इज़ द फीडबैक सिस्टम। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्लूकोज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, या फिर उसका ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ग्लूकागोन इज़ द फीडबैक हार्मोन जो क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए उसकी मेटाबॉलिक पाथवे को स्टॉप कर देता है, सो दैट की जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में हो जाए, बैलेंस हो जाए। विच आर प्रिंसिपली कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। तो इनका मेन कंसर्न किसके साथ होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के साथ। अगर ये यूटिलाइज हो रहे हैं, जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, तो उसमें क्या होते हैं, इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है कि इसने ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करना होता है। अगर बाय चांस ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल का जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो उस टाइम पे ग्लूकागोन क्या करता है, वो उसके एज अ नेगेटिव फीडबैक वो वर्क करता है और उसकी सिंथेसिस को स्टेबलाइज करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई, द स्प्लीनिक एंड मेसेंट्रिक आर्टरीज सप्लाई आर्टियल ब्लड टू द पैनक्रियास एंड द वेनस ड्रेनेज इज बाय द वेन्स ऑफ सेम नेम्स दैट जॉइन अदर वेन्स टू फॉर्म द पोर्टल वेन। जो स्प्लीनिक और मेसेंट्रिक आर्टरीज होती हैं ये ब्लड सप्लाई करती हैं पैनक्रियास को, और जो स्प्लीनिक और मेसेंट्रिक वेन्स होती हैं
उनका फंक्शन क्या होता है, उन्होंने ब्लड को ड्रेन करवाना होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को ड्रेन आउट करवाना होता है. नर्व सप्लाई एज इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड सिंपथेटिक स्टिमुलेशन डिप्रेसेस इट. जैसे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होता है जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है, और जो सिंपथेटिक नर्व्स हैं उनका काम होता है कि उन्होंने सप्रेस करनी होती है एक्टिविटी को, जो भी फंक्शंस चल रहे हैं उनको स्टॉप करना होता है फॉर सम टाइम, ठीक है. तो अगर जैसे अगर हम मैथ्स की इक्वेशन की बात करें, प्लस एंड माइनस, अगर कोई चीज़ प्लस में दी है, प्लस मान लो कि प्लस वन दिया है एंड माइनस वन दिया है, तो इसका आंसर क्या होता है, ज़ीरो. सेम इन द सेंस ऑफ दिस, नर्व सप्लाई में क्या होता है, जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है वो क्या करवा रही है, इंक्रीज करवा रही है सिक्रीशंस को, ठीक है, उसकी ज़्यादा उससे ज़्यादा हार्म ना पहुँचे, उसका जो लेवल है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसकी वजह से जो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है वो क्या कर रही है, उसको डिप्रेस कर रही है. दैट मीन्स कि उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बना के रखे हुए है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. पैनक्रियास का पक्का, ओके. नेक्स्ट इज लिवर. अभी लिवर का जो है ना, ये आपका मॉड्यूल सेकंड का सेकंड पार्ट है. लिवर का अलग से दिया हुआ है, लिवर की स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, ठीक है. तो लिवर का सुन लो, द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, इसने एक्सक्रीशन करवानी होती है, जितने भी केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको एक्सक्रीट करवाना होता है बॉडी में से, यही फंक्शन होता है लीवर का. यूरिन प्रोडक्शन करवाना, ठीक है, और एक्सक्रीशन करवाना, दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है. तो लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, वेइंग बिटवीन 1 and 2.3 kg, 1 to 2.3 kg के बीच में इसका वेट होता है. इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ऑक्यूपाइंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन. ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, जहाँ पे उसका सरफेस होता है एब्डोमिनल कैविटी का, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है लिवर, ठीक है. इट्स अपर एंड इंटीरियर सर्फेसिस आर स्मूथ एंड कर्व्ड टू फिट द अंडर सर्फेस ऑफ डायाफ्राम. इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो अपर पोर्शन होता है और इंटीरियर सर्फेस होता है, वो स्मूथ होता है, ठीक है, एंड कर्व, थोड़ा सा कर्व शेप में होता है, टू फिट द अंडर सर्फेस ऑफ डायाफ्राम, सो दैट कि वो डायाफ्राम के नीचे अच्छे से फिट आ जाए, ठीक है. डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम लंग्स के नीचे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, डायाफ्राम वो होते हैं ना, तो उसके नीचे फिट आ जाए, इस वजह से वो थोड़ा सा कर्व शेप्ड में होता है लिवर, ठीक है. ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लिवर. अब कौन कौन से ऑर्गन्स लिवर के साथ एसोसिएट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है. सुपीरियरली एंड इंटीरियरली डायाफ्राम एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है, इन्फेरियरली स्टमक, बाइल डक्ट्स, ड्यूओडेनम, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कॉलन, राइट किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. पोस्टीरियरली ऑइसोफेगस प्रेजेंट होता है, इन्फेरियर वेना कावा, ऑर्टा, गॉल ब्लैडर, वर्टेब्रल कॉलम एंड डायाफ्राम. लेटरली लोअर रिब्स एंड डायाफ्राम. ये वो वाले ऑर्गन्स हैं जिनके साथ ये अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग एंगल में, अलग अलग डायरेक्शन में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है. तो कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ ये लगता है, ठीक है, क्लियर है. डन. रजनी समझ आ रहा है, इज इट क्लियर टू यू?
गया समझ, आगे करें। ओके चलो आगे करते हैं। द लिवर इज इनक्लोज्ड इन अ थिन इन इलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम। जो लिवर होता है वो थिन इन इलास्टिक कैप्सूल में इनक्लोज, मतलब उसमें प्रेजेंट होता है, उसकी जो थिन इन इलास्टिक कैप्सूल लेयर होती है, ठीक है, उसमें इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म सपोर्टिंग लिगामेंट्स अटैचिंग द लिवर टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। इट इज हेल्ड इन पोजिशन पार्टली बाय दीज लिगामेंट्स एंड पार्टली बाय द प्रेशर ऑफ ऑर्गन्स इन द अबडोमिनल कैविटी, ठीक है। जो पेरिटोनियम लेयर के जो फोल्ड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लिगामेंट्स बनाते हैं, सपोर्टिंग लिगामेंट्स, सो दैट कि जो लिवर है उसको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। अटैचिंग द लिवर टू द इंफीरियर सर्फिस ऑफ डायाफ्राम, सो दैट कि वो डायाफ्राम के साथ अटैच हो सके। इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन पार्टली बाई दीज लिगामेंट्स, ठीक है। आधे से ज़्यादा जो पार्ट होता है लिवर का वो इन लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है, और पार्टली बाय द प्रेशर ऑफ ऑर्गन्स इन द अबडोमिनल कैविटी, और बाकी का जो जितना प्रेशर होता है बाकी के ऑर्गन्स का अबडोमिनल कैविटी में, उनकी वजह से वो जुड़ा हुआ होता है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। द लिवर हैज़ फोर लोब्स। अब लिवर में चार लोब्स होती हैं। द टू मोस्ट ऑब्वियस आर द लार्ज राइट लोब एंड द स्मॉलर वेज शेप्ड लेफ्ट लोब, ठीक है। जो लार्ज होती है राइट लोब, ठीक है, स्मॉलर होती है वेज शेप्ड लेफ्ट लोब। द अदर टू द कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स आर एरियाज ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस। जो कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स हैं वो पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं लिवर के, ठीक है। द पोर्टल फिशर, दिस इज द नेम गिवन टू द रीजन ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लिवर। पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर कौन सी प्रेजेंट होती हैं, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स, ठीक है, तो उनको नाम दिया गया है पोर्टल फिशर, ठीक है। उस रीजन में जो पोस्टीरियर सर्फेस वाले रीजन में जितने भी लोब्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम पोर्टल फिशर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द नेम गिवन टू द रीजन ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लिवर वेयर वेरियस स्ट्रक्चर्स एंटर एंड लीव द ग्लैंड। द पोर्टल वेन एंटर्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द स्टमक स्प्लीन पैनक्रियाज एंड द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है। जो पोर्टल वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने इम्प्योर ब्लड को कैरी करना होता है, ठीक है, कैरिंग ब्लड फ्रॉम स्टमक, कहाँ कहाँ से कैरी करती है, स्टमक में से, स्प्लीन में से, पैनक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में से, ठीक है। इन सब पार्ट्स में से जो पोर्टल वेन्स हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। द हेपेटिक आर्टरी एंटर करती है कैरिंग आर्टियल ब्लड, इट इज़ अ ब्रांच फ्रॉम द कोलियक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्टर। जो हेपेटिक आर्टरी होती है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आर्टरीज, जो एब्डोमिनल ऑर्टा होती है उसकी एक ब्रांच होती है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, और ये भी पैनक्रियाज में सॉरी लिवर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीवर में जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं दीज आर पोर्टल वेन्स, ठीक है, जो कुछ स्टमक स्प्लीन पैनक्रियाज और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में से इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और जो हेपेटिक आर्टरीज होती हैं दीज आर द ब्रांचेस ऑफ कोलियक आर्टरीज एंड विच इज कोलियक आर्टरीज आर द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन क्या होता है, इन्होंने प्योर ब्लड को सप्लाई करना होता है इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। द नर्व फाइबर्स सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक एंटर हियर। नर्व फाइबर्स कौन से होते हैं, नर्व सप्लाईज आर सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक। द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स लीव कैरिंग बाइल फ्रॉम द लिवर टू द गॉल ब्लैडर। जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, उन्होंने बाइल जूसेस जो होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको लिवर में से गॉल ब्लैडर में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, पास करवाना होता है।
लिम्फ वेसल्स लीव द लिवर, लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं लिवर को लीव करके ड्रेनिंग सम लिम्फ टू एब्डोमिनल एंड सम टू थोरेसिस नोड्स। जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं एब्डोमिनल और थोरेसिस नोड्स में, ठीक है। ब्लड सप्लाई में आ गया, हेपेटिक आर्टरीज क्या करती हैं ब्लड को सप्लाई करती हैं और जो पोर्टल वेन्स हैं उनको कैरी आउट करती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?